हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आईटीआई के चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक स्क्रैपर, जिसको हिंदी में बोलते हैं कुरचनी, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। आजकल के औद्योगिक युग में मशीन के कई पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनको कि बहुत ही हाई एक्यूरेसी में बनाना पड़ता है, और इन्हें हाई एक्यूरेसी में बनाया जाना एज पर डिमांड, मार्केट की डिमांड, जरूरी भी होता है। और इन्हें फाइलिंग के द्वारा, मशीनिंग के द्वारा या ग्राइंडिंग के द्वारा हाई एक्यूरेसी में बनाया जाता है। इसके बावजूद भी कुछ हाई स्पॉट्स जो होते हैं इस सरफेस पर रह जाते हैं, जो कि नंगी आंखों से, नेट आंखों, आइस के द्वारा दिखाई नहीं देते हैं। और इन हाई स्पॉट्स को दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यदि हम इन हाई स्पॉट्स को दूर नहीं करेंगे तो क्या होगा, मशीन की चाल में अवरोध पैदा हो जाएगा, रुकावट पैदा हो जाएगी। यदि इन हाई स्पॉट्स को हटाया नहीं गया तो क्या होगा, जब उसकी चाल में रुकावट होगा तो वो मशीन का वो पर्टिकुलर पार्ट्स जो होगा वो खराब हो जाएगा। और इन पार्ट्स को सही खराब होने से बचाने के लिए इन हाई स्पॉट्स को दूर करना बहुत अधिक आवश्यक होता है। और इनको दूर करने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है हमारा स्क्रैपर। स्क्रैपर, स्क्रैपर क्या है, स्क्रैपर एक हैंड कटिंग टूल है जिसका प्रयोग धातु की सरफेस पर से हाई स्पॉट्स को दूर करना है। इन हाई स्पॉट्स को दूर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्क्रैपर। स्क्रैपर के द्वारा धातु पर से जो छोटे छोटे कणों के रूप में धातु खुर्ची जाती है, और ये अलाउंस जो होता है बहुत कम रखा जाता है। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार ये अलाउंस जो होता है हमारा 0.1 mm से लेकर 0.4 mm तक रखा जाता है। और एक पास में, एक बार में ये जो स्क्रैपर होता है वो 0.005 mm से 0.07 mm तक की धातु जो होता है वो स्क्रैप करता है, खुरचता है। ये अलाउंस जो होता है धातु की लंबाई, जो सरफेस जिसको हमें स्क्रैप करना है, लंबाई और चौड़ाई या लंबाई और व्यास के आधार पर निर्भर करता है, जो कि भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार जैसे बताया इसका अलाउंस जो होता है 0.1 mm से 0.4 mm रखा जाता है। स्क्रैपर किस प्रकार का होता है ये आप फिगर में देख रहे हैं, इसका कंस्ट्रक्शन मैं आपको बताऊंगा। ये जो पोर्शन है ये हमारा होता है कटिंग एज, कटिंग एज। इसी के द्वारा जो होता है हम धार जो होता है इसी धार के द्वारा हम जो है स्क्रैपिंग करते हैं। उसके बाद ये हमारी इसकी बॉडी हो गई, ये हमारी इसकी टैंक हो गई, और ये स्क्रैपर का हैंडल हो गया, इसको पकड़कर हम ये कार्य क्रिया करेंगे। ये फ्लैट स्क्रैपर यहाँ पर बोर्ड में दिखाया गया है। अब हम बात करेंगे मटेरियल की। स्क्रैपर जो होता है हाई कार्बन स्टील का बना होता है, और इसकी जो कटिंग एज होती है उसको हम क्या करते हैं, हार्ड कर देते हैं। कई बार जो फाइलें हमारी, जो रेती होती है हमारी, जो बर्न हो जाती है, उन बर्न फाइलों के द्वारा भी हम स्क्रैपर को बनाते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम स्क्रैपर के प्रकार की। स्क्रैपर मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है फ्लैट स्क्रैपर। फ्लैट स्क्रैपर की एक कंस्ट्रक्शन मैंने आपको दिखाई। फ्लैट स्क्रैपर जो होता है मार्केट में 100 से 300 एमएम लंबाई तक के पाए जाते हैं, और मुख्यतः जो प्रयोग होते हैं वो 100 से 200 एमएम यानी 4 इंची से लेकर 8 इंची तक के स्क्रैपर प्रयोग किए जाते हैं। और चौड़ाई की अगर बात करें तो 20 एमएम से लेकर 30 एमएम चौड़ाई तक के ये अधिकतर प्रयोग में लाए जाते हैं। फ्लैट स्क्रैपर की खासियत ये होती है, इसकी आगे धार है, इसको हम क्या करते हैं 81 डिग्री के एंगल पर हम ग्राइंड करते हैं, और इसका प्रयोग जो होता है वो फ्लैट सरफेस की, जो फ्लैट सरफेस है उसकी स्क्रैपिंग करने के लिए। इसके बाद नंबर दो हमारा है हुक स्क्रैपर। हुक स्क्रैपर का प्रयोग जो होता है ये होता है बिल्कुल फ्लैट स्क्रैपर की तरह, किंतु अंतर इतना होता है इसकी जो कटिंग है इसको हम क्या करते हैं 90 डिग्री के कोण पर हम ग्राइंड करते हैं, और इसका प्रयोग जो होता है वो स्लॉट यानी खांचे और ग्रुप्स की स्क्रैपिंग करने के लिए किया जाता है। जहाँ पर भी स्लॉट या ग्रुप्स होंगे, चाहे वो मशीन के किसी पार्ट्स में हो या बेयरिंग में हो, वो हम इससे स्क्रैपिंग करके उसको दूर करते हैं। इसके बाद तीसरा आता है हमारा हाफ राउंड।
आता है हमारा हाफ राउंड अर्ध गोलाकार स्क्रैपर, जिसको हम बियरिंग स्क्रैपर भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। इसका प्रयोग जो होता है, जो बड़ी बड़ी सरफेस होती है उनकी स्क्रैपिंग के लिए किया जाता है, और इंटरनल राउंड सरफेस जो होती है उनकी स्क्रैपिंग करने के लिए, जो अंदरूनी गोलाकार सरफेस होती है उसकी स्क्रैपिंग करने के लिए हम हाफ राउंड स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। इसकी धार जो होती है वो डबल होती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ट्रायंगुलर स्क्रैपर। ट्रायंगुलर मतलब त्रिकोणा, ट्रायंगुलर तीन कोने। इसका प्रयोग भी हम जो बुश बेयरिंग होती है, बुश बेयरिंग के जो कॉर्नर्स होते हैं, जो किनारे होते हैं, उनकी स्क्रैपिंग करने के लिए हम ट्रायंगुलर स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ साथ जैसे कि ऊपर वाले में बताया था हमने, हाफ राउंड वाले में इंटरनल जो राउंड सरफेस होती है उसकी गोलाई जो होती है, अंदरूनी गोलाई, उसकी स्क्रैपिंग करने के लिए भी हम ट्रायंगुलर स्क्रैपर का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टू हैंडल स्क्रैपर। टू हैंडल स्क्रैपर में दो तरफ हैंडल लगा होता है, और इसका प्रयोग जो होता है हम बड़ी जो फ्लैट और कर्व्ड सरफेस होती है उसकी स्क्रैपिंग करने के लिए हम टू हैंडल स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद लास्ट हमारा है बुल नोज स्क्रैपर। बुल नोज स्क्रैपर, जैसे बुल माने क्या होता है, बुल माने, बुल एक अंग्रेजी का शब्द है, बुल माने होता है सांड, सांड। नोज माने होती है नाक, यानी सांड की जैसी नाक होती है उसके आकार का स्क्रैपर होता है। यहाँ पर आप देखेंगे इस चित्र में, अगर जूम किया जाए तो ये चित्र आपको देखेंगे तो ये बिल्कुल जैसे नाक होती है, सांड की नाक होती है, उस तरीके का ये स्क्रैपर होता है। ये आगे इसमें यहाँ पे फिर आगे हैंडल वगैरह होता है, तो ये इस तरीके का ये जो पोर्शन होता है बुल की नोज की तरह होता है, इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा बुल नोज स्क्रैपर। इसका प्रयोग फ्लैट और हाफ राउंड सरफेस की स्क्रैपिंग करने के लिए करते हैं, और जो बड़े साइज के बेयरिंग्स वगैरह होते हैं उसकी स्क्रैपिंग करने के लिए भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल या सर्कमफ्रेंशियल जैसा भी हमें जहां पर प्रॉब्लम है, हम इसका प्रयोग यानी बुल नोज स्क्रैपर का प्रयोग हम वहां पर आसानी से कर सकते हैं। ये थे हमारे स्क्रैपर के प्रकार। इसके बाद स्क्रैपर का लगातार स्क्रैपिंग करते करते जो कटिंग एज है वो घिस जाती है, खराब हो जाती है, तो इसको कई बार हम ग्राइंडर के द्वारा दूर कर लेते हैं। स्पेशल एक ग्राइंडर होता है, ग्राइंडर के द्वारा दूर कर लेते हैं, या एक होनिंग क्रिया के द्वारा भी हम स्क्रैपर की ग्राइंडिंग करके इसको हम पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। तो ये था स्क्रैपर। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।